आपने कई बार सुना होगा कि जब लोग कुछ याद करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें वो चीज याद होकर भी वो उसे बोल नहीं पाते, जिसे अक्सर कहा जाता है कि मेरी जुबान पर तो है लेकिन बाहर नहीं आ रहा। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। असल में यह हमारी कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का खेल होता है, जिसके कारण वो चीज हमें याद होकर भी हम उसे बोल नहीं पाते, या फिर वो चीज हमें उस वक्त याद नहीं आती। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या ये एक बस कंफ्यूजन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब हमसे कोई सवाल पूछता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, यानी हमारा सचेत मन काम करने लगता है। अगर हमें उस सवाल का जवाब पहले से ही पता हो या फिर हमने उसे कहीं पढ़ा हो, तो उस वक्त हमारा सब कॉन्शियस माइंड इस सवाल के जवाब को हमारी यादों में ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन कभी कभी दिमाग पर ज्यादा जोर देने के कारण हमें वो चीज याद ही नहीं आती, क्योंकि जब हम दिमाग पर जोर देते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे कॉन्शियस माइंड पर प्रेशर डालता है, और हमारे कॉन्शियस माइंड पर ज्यादा प्रेशर होने के कारण हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसे में हमें वो चीज तुरंत याद नहीं आती। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है, तब वो चीज हमें आसानी से याद आ जाती है, और यही कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड का खेल होता है। दोनों को पहली बार समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वीडियो में आगे आगे आप खुद ही सब समझ जाओगे। अक्सर स्कूल में यह कहानी होती है कि कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, और कुछ बस स्कूल में आते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तीनों प्रकार के बच्चों में दिमाग तो सेम ही होता है, लेकिन फिर भी कुछ होशियार बन जाते हैं तो कुछ बैक बेंचर्स। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो लोग ज्यादा पढ़ाई करते होंगे इसलिए वो होशियार होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी बच्चों को चीजें याद नहीं रहती। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? असल में जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है, उनके दिमाग में पढ़ाई के अलावा भी और कई सारी चीजें चल रही होती है। उन्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है, और जाने अनजाने में वो अपने दिमाग को हमेशा ये सिग्नल देते रहते हैं कि पढ़ाई बोरिंग है और चीजें उनके समझ में आने वाली नहीं है। तब ऐसी कंडीशन में वो बच्चे चाहे कितना भी पढ़ ले, उनका दिमाग उन चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता। कुछ टेम्पररी फाइल्स की तरह बस कुछ ही समय में वो अपने की गई पढ़ाई को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। लेकिन अगर एक एवरेज बच्चा अगर ठान लेता है और पढ़ाई के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है, तो उसकी पढ़ाई में भी हमें सुधार देखने को मिलता है, और धीरे धीरे वो चीजों को अच्छे से याद रखने लगता है। इसके विपरीत होशियार बच्चे थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो उनके दिमाग में वो सारी चीजें एकदम से छप जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन किया होता है। उन्हें पता होता है कि पढ़ाई बोरिंग नहीं है, उनमें नई चीजों को सीखने की एक दौड़ सी लगी होती है, और यही सारी बातें उनके दिमाग में 2400 घंटे चल रही होती है, और ऐसे में उनका सब कॉन्शियस माइंड ये सारी चीजें कैच कर रहा होता है। ऐसे में अगर वो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो उन्हें वो चीजें परमानेंटली याद हो जाती है, और ये सारा कमाल हमारे सब कॉन्शियस माइंड का होता है। सब कॉन्शियस माइंड एक फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे विचारों के पीछे छुपे हिस्से को रेफर करती है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम हमारे सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम कुछ बोलते हैं या किसी कार्य को करते हैं, तब हमारे सब कॉन्शियस माइंड में छुपे विचार, अनुभव और कुछ यादें भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। उदाहरण के लिए, अभी मैं आपको आपके किसी खास दोस्त के बारे में सोचने को कहूँगा, तो तुरंत ही आपके दिमाग में आपके दोस्त की तस्वीर आ जाएगी, और साथ ही कुछ पल भी याद आ जाएंगे जो आपने अपने दोस्त के साथ बिताए होंगे। लेकिन देखा जाए तो आपके सामने आपका दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने उसकी यादें घूम रही है। आपको शायद महसूस भी हो रहा होगा कि वो आपके साथ है। हमें कभी कभी वो चीजें भी महसूस होती है जो असल में होती ही नहीं, और ये सभी चीजें सब कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड हमारे डिसीजंस को प्रभावित करता है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं होता, वो चीजें डायरेक्टली हो जाती है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे न चाहते हुए भी हमसे कई सारे काम करवा लेता है। चलिए सब कॉन्शियस माइंड को हम एक आसान एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं।
जब लोग स्विमिंग सीखने जाते हैं तब वहाँ के टीचर्स उन्हें पहले विजुअलाइज करने के लिए कहते हैं। असल में ये एक टेक्निक होती है जिससे पहले स्विमर्स के दिमाग को स्विमिंग करने के लिए रेडी किया जाता है। इस टेक्निक में व्यक्ति अपने दिमाग में एक तस्वीर या एक सीन को क्रिएट कर लेता है जिसमें वो खुद को स्विमिंग करने का अनुभव करता है। वो अपने दिमाग में विजुअलाइज करता है कि वो किन किन क्रियाओं को करके किस तरह पानी में तैर सकता है। इस प्रकार से जब वो असल स्विमिंग करने जाता है तब उनका सब कॉन्शियस माइंड उन विजुअलाइज सिनारियों को दोहरा देता है जिससे उस इंसान को स्विमिंग करने में मदद हो जाती है। इस तरह से विजुअलाइजेशन एक तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करके अपने कार्य में सुधार कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का और एक बेहतरीन उदाहरण है गाने सुनना। हर किसी को गाने सुनना पसंद होता है। जब भी हम कोई नया गाना सुनते हैं और वो गाना हमें पसंद आता है तब वो गाना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। फिर जब भी हम उस गाने को गुनगुनाने की कोशिश भी करते हैं तो उस गाने की लिरिक्स और गाने की टोन ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में चलने लगती है जबकि हमने उस गाने को एक ही बार सुना होता है। तो ऐसी सारी चीजों को हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच कर रहा होता है। असल में बात यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों मिलकर आपके लिए काम करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। कॉन्शियस माइंड को हम सीधे तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जब हम कुछ सोचते हैं, फील करते हैं या कुछ डिसीजन लेते हैं तो ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है और सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा होता है जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता। इसमें हमारे पुराने अनुभव, बिलीफ और कुछ पैटर्न होते हैं जिन्हें हमने हमारे जीवन में अनुभव किया होता है। शायद अब आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपके लिए कोई भी चीज कभी मुश्किल नहीं होगी। हालांकि हम सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन कुछ तरीकों से हम इस पर कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पूरी समझ आ गई है और अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो अभी आप ये फील कर रहे होंगे कि हमारी ये वीडियो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है। अभी आपको फिर से इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। हमारी इस वीडियो ने आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एक साथ लाने का काम किया है तो है ना कमाल की बात। ऐसे में वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर करना तो बनता है। तो आज की वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस के बारे में सुना है? मतलब कभी आपको ऐसा लगा है कि कोई चीज होने से पहले ही आपको उस चीज के बारे में पता लग गया है या आपको उस चीज के होने का पहले से ही अंदाजा हो? कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो आपसे कहीं छूट ना जाए। और जाते जाते एक एडवाइस दे देता हूँ कि अगर आपने चैनल की बाकी वीडियोस को नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो तो बाकी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।